इंडिया 8 न्यूज़ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ पीरजादा शारिक नाजरुखराम। जिस तरह आए रोज़ हम मनुष्यात का बढ़ता हुआ रुझान देख रहे हैं और उसके कदगन के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, वाकई में एक काबिल तारीफ़ है। इसी के चलते हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो आए रोज़ हम सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होते हैं वो ज़िला बारामूला से होते हैं, और ज़िला बारामूला में पुलिस ने जिस तरह मनशियात फरोश के कदगन के लिए ठान ली है, तो एक वाकई अच्छा कदम है। इसी के मुतलिक आज हम बात करेंगे। ज़िला बारामूला से रवा साल के दौरान अभी 5 महीनों तक 217 मनशियात फरोशों को दबोच लिया गया है, और जिनको बताया जा रहा था कि इनमें कहीं एक जो मनशियात फरोश थे वो मोस्ट वांटेड, जो अभी तक पुलिस के शिकंजे से कई बार बच चुके थे। इनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत के नकदी व जिंसी बरामद किया गया है। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि पुलिस जम्मू व कश्मीर और बिलखसूर कश्मीर के 10 अजलायों में जिस तरह से मनशियात फरोशी पर कदगन लगाने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए सिविल सोसाइटी को भी आगे आने की काफ़ी ज़रूरत है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, इसमें 217 मनशियात फरोशों को दबोच लिया गया है, और इसमें से कहीं एक पर जो है PSA आयद किया गया है। 7 करोड़ रुपये मालियत से ज़्यादा जो इनसे जिंसी व नकदी बरामद किया गया है। NDPS एक्ट के तहत 144 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 3.41 करोड़ रुपए के 2,625 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। 3.14 करोड़ रुपए के 2,419 करोड़ रुपए का हेरोइन इनसे बरामद किया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बंक पाउडर, चरस या दूसरी चीज़ें जो है वो भी इनके कब्जे से पकड़ ली गई है। और आपको बता दूं कि 43.90 लाख रुपया नकदी बरामद किया गया है। 15 गाड़ियों को भी जब्त कर दिया गया, और मनशियात फरोशी से जितना भी बरामद किया गया है उसका कुल मालियत रकम जो है वो 7,69,91,000 आता है। और बारामूला पुलिस ने एक और इंफॉर्मेशन दी है कि अगर कहीं पर भी आपको मनशियात फरोश या फिर मनशियात इस्तेमाल करने वाला कोई भी अफराद दिखे तो जल्द ही पुलिस को इसके बारे में आगाही दे। जो भी इन मनशियात फरोशी की इतला देगा उनकी शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। जिला बारामूला से जहां पर 217 मनशियात फरोशों को दबोचने के साथ साथ 7 करोड़ 69 लाख 91 हज़ार की मालियत बरामद की गई है।